क्या मिला इन 70 सालों में मेरे भाई। और जब 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 हक और इंसाफ की आवाज उठाई जाती है, जैसे आज मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन हक और इंसाफ का पैगाम दे रही है, हक और इंसाफ की आवाज उठा रही है मेरे भाई, मुखालफत शुरू हो गई है, मुखालिफ खड़े हो गए हैं। ये कांग्रेस के ठेकेदार, ये कांग्रेस के दलाल, ये समाजवादी के ठेकेदार, ये एनसीपी के ठेकेदार आके कह रहे हैं बीजेपी जीत जाएगी, मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन बीजेपी को मजबूत करने आई है। अरे मेरे भाई, मैं आपको बताता हूँ, जब जब हक और इंसाफ की आवाज उठाई जाती है तो मुखालफत शुरू हो जाती है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हक की आवाज उठाई थी तो मुखालफत शुरू हो गई थी। नमरूद ने उनके लिए लौ जलाया था और वो लौ 3 दिन तक जलता रहा। ये देखकर एक छोटी सी चिड़िया अपने चोंच में पानी भरकर लाती और उस आग पर गिरा देती, तो ये देखकर तमाम चरेत परेत मखलूक ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ए चिड़िया, तुम नमरूद का लौ बुझाओगी? चिड़िया कहती है, नहीं नहीं, मैं नमरूद का लौ तो नहीं बुझा सकती, लेकिन जब मैं कयामत के मैदान में जाकर खड़ी होंगी तो मैं अपने रब से ये कह सकूंगी कि मैंने ये नफरत की आग बुझाने की कोशिश करी थी। ऐसे ही इस दौर में जब मेरा कायद पर इस तरह से बुद्धि हो गई थी, अगर इंसाफ की आवाज उठा रहा है तो मुखालफत शुरू हो गई है, मुखालिफ खड़े हो गए हैं, तरह तरह के जुमले पेश कर रहे हैं कि मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन आई है, बीजेपी जीत जाएगी। अरे मेरे भाई, हम किसी को जिताने या हराने के लिए नहीं आए, हम तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए आए हैं, अपने नस्लों के मुस्तकबिल के लिए आए हैं। आओ इस दौर में हम भी हक और इंसाफ की आवाज को बुलंद करते हैं, ताकि हम भी अपने रब के सामने खड़े होकर ये कह सकेंगे कि हमने भी नफरत की आग बुझाने की कोशिश करी थी। उठाओ आवाज, उठाओ दे, दूसरों की गुलामी छोड़ दो मेरे भाई, दूसरों का झंडा उठाना छोड़ दो। कब तक करते रहोगे? हर बार दूसरों को जिताया है, इस बार तुम्हारा अपना आया है मेरे भाई। हर बार दूसरों को जिताया है, एक बार अपनों को भी जिताओ मेरे भाई।